अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने जब से ये चैनल शुरू किया ना, तब से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, या फिर मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के दूं। अब जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, मैं ट्रैवल करता था, मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे, यार कैसे आपने ट्रैवल किया, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, या इस तरह की बातें पूछते थे। तो हर एक बंदे को मुझे आंसर देना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, कि हर एक बंदे को एक पूरी स्टोरी सुनानी पड़ती थी। मैंने सोचा कि मैं ना वीडियोस बना के ना शेयर कर दिया करूँगा, जिसने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो वहाँ से कलेक्ट कर ले। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, आप लोग एजेंटों से बच जाओ और ख़ुद वीज़ा अप्लाई करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये चीज़ चाहते हो, क्योंकि मैं खलूस नीयत से जो मेरी दिल में बात है, या मैंने जिस तरीके से वीज़ा लिया, या जो एम्बेसी में होता है, या जिस तरीके से वीज़े मिलते हैं, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ और सिंपल वे में बताता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताता यार वीज़ा लेना इंतहाई मुश्किल है, आपको वीज़ा मिल ही नहीं सकता, जापान का वीज़ा तो नामुमकिन है, नहीं ले सकते हो आप। अगर मैं इस तरह की बातें शुरू करूँगा ना, तो काफ़ी लोग मानेंगे हाँ यार ये बंदा सही कह रहा। जब मैं बात करता हूँ ना, बिल्कुल सिंपल है वीज़ा लेना, किस तरीके से आपने वीज़ा लेना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 8-10, 7-8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वो अपने डॉक्यूमेंट्स लो और जाओ, आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा, और सिंपल से। तो जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना, तो वो इंटरेस्ट पैदा नहीं होता इस चीज़ के अंदर। तो आप लोग समझते हो यार नहीं ये ऐसे ही लगा हुआ, लोगों को पता है नहीं यार, तो वो आके कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, या जिसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस हो, मेरे दोस्तों का हो, या मेरा ख़ुद का ट्रैवल हो, या मुझे वीज़े मिले हों, मैं सिर्फ उसी चीज़ पर बात करता हूँ, और मैं कभी किसी टॉपिक पर बात नहीं करता। जैसे कि अमेरिका, कैनेडा, यूके, और इस तरह के ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो मुझे इनका पता भी नहीं है, तो इनके ऊपर मुझे आपने कभी इस टॉपिक पे बात करते हुए नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मेरे जो दो दोस्त जिस कंट्री में गया, मुझे मैं उन्हीं के ऊपर बात करता हूँ, या फिर जो मेरा ख़ुद का ट्रैवल है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, या जो मेरे वीज़े मिले हैं बस उसके ऊपर बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपसे यही सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देनी बंद कर दूँ, मैं सिर्फ अपने ट्रैवल वीडियोज़ डालूँ, क्योंकि आप लोग यही चाहते हो। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने अपीयरेंस के ऊपर बात की थी, कि आप एम्बेसी में जाओ, किस तरह की अपीयरेंस होनी चाहिए आपकी, और वो डिसीजन कुछ एम्बेसीज़ वाले, मैं हर एम्बेसी की बात पहले भी नहीं की, मैं अब भी नहीं करता, मैंने दो एम्बेसियों की बात की थी, ख़ासकर एक जापान की और एक अमेरिका की। मैंने ये दो एम्बेसियों की बात की थी कि ये दो एम्बेसीज़ ऐसी हैं कि ये ऑन द स्पॉट भी डिसीजन लेके आपको वीज़ा उसी वक्त इशू करके देती हैं, ठीक है। इतने इतने लोग आए नीचे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, जापान ऐसा नहीं करता, ऑन द स्पॉट नहीं डिसीजन लेता, आप झूठ बोल रहे हो, अपने व्यूज़ लेने के लिए आप लोग लोगों को गुमराह कर रहे हो। भाई अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखोगे ना, जिसमें मैंने अपीयरेंस की बात की है, उसके ऊपर तो मुझे व्यूज़ भी नहीं मिले हैं ज़्यादा, ठीक है। तो फिर भी मैंने वीडियोस बना कर डाली है, और इस वीडियो के ऊपर भी इतने व्यूज़ नहीं आने, क्योंकि ये इतना का टॉपिक हॉट नहीं है जितना का आप चाहते हो, ठीक है। तो बात बस मैंने ये करनी थी कि यार कि मैं खालिस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोग समझते हो कि पता नहीं मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मैंने बात की थी कि यार ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, आपने इस चीज़ को नहीं माना, तो मैंने कहा चलें मैं एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ आपको। क्या सबसे पहले तो मैं आपको एक जापान की रिजेक्शन दिखाता हूँ, ये देखें अगर आपको नज़र आ रही है, ये सी इसके ऊपर लगा हुआ है, और 11 डेट लिखी हुई है, 11 तारीख को इसकी रिजेक्शन लगी है, कल 11 थी, आज 12 है, ठीक है। ये देखिए, मेरे दोस्त के साथ चैट हो रही थी कल, तो उसकी कल रिजेक्शन लगी, मेरा वीज़ा लगा था, उसने कहा मैंने भी अप्लाई करना है, तो उसने किया, तो उसकी रिजेक्शन लगी है कल 11 थी, और 11 को ही उन्होंने रिजेक्शन लगा के दी। मैंने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि ऑन द स्पॉट वो डिसीजन ले लेते होते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो आपने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखें उस बंदे ने क्या बात किया मुझसे, ये अगर आप देखें तो उसने कहा हुआ है कि भाई फ्रेश लगा के दी है इन्होंने स्टैंप, यानी कि वो कह रहा है कि फ्रेश लगा के दी है, पासपोर्ट गंदा कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसके नीचे क्या बात की है, मैंने कहा यार इसी टॉपिक के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, कल 11 थी और 11 को ही उन्होंने बुलाया इसको, और उसी वक्त डिसीजन लेके इसकी उसी वक्त स्टैंप लगाई। ये देखें 11 ऊपर लिखी हुई है डेट, 11 कल 11 थी, आज 12 हैं, तो कल 11 थी और 11 तारीख को ही इसको स्टैंप लगा के इसके हाथ में पकड़ा दिया पासपोर्ट, और इसने बताया कि भाई फ्रेश लगा के दिया। और मैंने आपको इसी टॉपिक पे बात की थी लास्ट टाइम भी, कि यार जापान एम्बेसी जो है ना,
कभी कभार वो ऑन द स्पॉट भी डिसीजन लेती है। जापान और अमेरिका, बड़े लोगों ने कहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप झूठ बोलते हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सच बोल लो, ठीक है। लोगों को पता नहीं है किस तरीके से वीज़े अप्लाई करने हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं, आप यकीन करो कमेंट ऐसे आ रहे होते हैं कि भाई अम्बेसी कैसे जाना है। जिस बंदे को यही नहीं पता अम्बेसी कैसे जाना है वो वीज़ा अप्लाई करेगा, ठीक है। मैंने टॉपिक पे बात की थी, मैं अक्सर वीडियो के अंदर बात करता हूँ कि ट्रैवल प्लान बनाया करो। तो दोस्तों ने पूछा ट्रैवल प्लान कैसा होता है, हमें बना के दिखाओ, हमें चाहिए। मैंने एक दो वीडियोस बनाई जिसके अंदर मैंने ट्रैवल प्लान बताया कि होता क्या है। अभी फिर बता देता हूँ, ट्रैवल प्लान बेसिकली आपकी डे वन से डे लास्ट तक की ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उस कंट्री के अंदर जो आपने करनी होती हैं। तो उसके बाद मैंने एक दो बार अपना ट्रैवल प्लान भी दिखाया था, तुर्की का जो मैंने बनाया था, या फिर जापान का नहीं दिखाया मैंने, तुर्की का दिखाया था। सेम होता है, बस नाम चेंज कर दो, डेट्स चेंज कर दो, प्लेसेस चेंज कर दो। तो दोस्त आके इतने इतने मैसेज कर रहे थे भाई ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाना। मैंने इतनी वीडियोज़ के अंदर कहा यार ट्रैवल प्लान सिर्फ डे वन से डे लास्ट तक की ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, आप खुद बना लो। नहीं जी नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रही है, आप हमें सेंड करो। एक दो बंदों को तो मैंने सेंड भी किए हैं भाई। अच्छा वो मैंने पिक्चर्स उतार के सेंड किए हैं उसको, वो आगे से कह रहा है मुझे भाई सॉफ्ट फॉर्म में सेंड करो, मेरा मैं अपना किसी एजेंट से काम करवा रहा हूँ, उसको नहीं पता ये क्या चीज़ होती है, तो आप मुझे सेंड करो, उसने क्या मंगवा लो इससे और कॉपी निकलवा लेते हैं। तो भाई मैंने उसको फिर रिप्लाई भी नहीं किया। एक तो मैं आपको एजेंटों से बचाना चाह रहा हूँ कि एजेंटों से बच के आप काम करो, खुद करो, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज़ बताता हूँ। उस बंदे ने क्या किया, खुद एजेंट के पास भी चला गया, मेरा भी बताया कि वो फलाना बंदा है, वो कोई इस तरह की वीडियोस बनाता है और उसने ट्रैवल प्लान की बात किया। एजेंट उसके भी कान खड़े हुए, यार अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ है, उसने कहा मंगवाओ उससे। मैंने जब भेजे तस्वीरें तो आरके कहता नहीं यार इसको ना सॉफ्ट फॉर्म में बनाओ। उसका मकसद ये था कि भाई इसको एडिट वगैरह करके हर किसी को चला चला के दे जाएंगे। फिर मैंने उसको रिप्लाई भी नहीं किया। एक तो उस बंदे ने पैसे भी दिए, मेरे से डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए, उसके बाद फिर उसकी रिजेक्शन लग गई, ठीक है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें बताई थी वो मेरे से करवाई नहीं उस बंदे ने, खुद पूरी नहीं की, एजेंट से एजेंट के थ्रू लगवाई। उसके बाद मुझे दिखा रहा है कि हाँ मेरी ना तुर्की ने रिफ्यूज़ल लगा दी, मैंने स्टैंप भी दिखाई थी आपको शायद, तो उस बंदे की रिफ्यूज़ल स्टैंप भी मैंने आपको दिखाई थी, वो लगी थी उसकी रिफ्यूज़ल। तो अब मैंने यही सोचा कि यार आप आके जो कमेंट्स कर रहे होते हो कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, तो मैंने सोचा भाई आपको आज के बाद गलत इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिला करेगी, ठीक है। बल्कि इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियोस बनाया ही नहीं करूँगा, आपको सिर्फ जो है ना ट्रैवल वीडियोस दिखा दिया करूँगा, मैं फ़लानी जगह पे गया फ़लानी जगह पे गया, ठीक है। इसी में आप खुश रहोगे, ठीक है। तो आप लोग जो चाहते हो कि भाई वीडियोज़ बना बना के हमें भेजो, ठीक है, तो आप भाई मैं यही बात करूँगा, आप पैसे दो, खुश रहो बाहर जाके, एजेंटों को पैसे दो, कंसल्टेंट को पैसे दो, रिफ्यूज़ल लो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी इसमें कोई नहीं है कि आपकी रिफ्यूज़ल लग रही है, आप गैर कानूनी रहो कहीं पे जाके, मेरा इसमें कुछ नहीं है, आपका अपना ही जाना है, ठीक है मेरे भाई। आप किसी से भी काम करवाएं, आज के बाद मैं आपको कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बना के दूंगा, क्योंकि आप लोग चीज़ चाहते हो कि ऐसी कोई आए ना बड़ा हॉरिबल करके। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कोई यार अमेरिका में ऐसे है, जापान ऐसे है कि वो वीज़ा ही नहीं देता, मैंने अप्लाई किया रिफ्यूज़ल लग गई, ये हुआ। मैं आपको सिंपल से डॉक्यूमेंट्स बताता था कि ये चीज़ें चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए, लेटर हेड चाहिए और कवर लेटर चाहिए, फलानी चीज़ें चाहिए, सिंपल सिंपल चीज़ें बताता था। लोग समझते थे कि वैसे ये हमें हवा में तीर छोड़ा, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात की है इसने, इसके पास कौन सा खुद का वीज़ा है। इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी जापान का वीज़ा दिखा दिया था, ताकि लोग जो कहते हैं ना कि बस ये वैसी वीडियो बना देता है, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में अपना वीज़ा भी दिखाया था। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था, चलें आज के बाद आपको मेरी काफ़ी ट्रैवल वीडियोज़ हैं वो देखें, आप देखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।